हेलो, हमारा न्यूज चैनल न्यूज बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूँ भूमिका मुखर्जी। हर हरकत पर मिलेगा करारा जवाब, सीमा पर भारत ने की ऐसी तैयारी, सुनते ही चीन के छूट जाएंगे पसीने। चीन की हरकतों का करारा जवाब देने के लिए भारत ने ऐसे कदम उठाए हैं कि ड्रैगन की धड़कनें तेज हो जाएंगी। भारत ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर कई अत्याधुनिक हथियारों की तैनाती कर दी है। चीनूक हेलीकॉप्टर, अल्ट्रा लाइट रोड हेलीकॉप्टर और राइफल्स के साथ ही भारत में बने सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और अल्ट्रा मॉडर्न सर्विलेंस सिस्टम बॉर्डर पर लगाए गए हैं। बता दें कि भारतीय सेना ने हाल ही में कहा था कि माउंटेन स्ट्राइक कोर पूरी तरह से चालू है। आर्मी की बड़ी टुकड़ी अरुणाचल भेजी। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने सेना की एक बड़ी टुकड़ी अरुणाचल प्रदेश भेजी है। पिछले एक साल में कम से कम 30,000 से अधिक सैनिकों को अरुणाचल में तैनात किया गया है। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में सेंटर फॉर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी एंड टेक्नोलॉजी के निदेशक राजेश्वरी पिल्लई राजगोपालन का मानना है कि चीन के साथ बातचीत में प्रगति की कमी के कारण नई दिल्ली बॉर्डर पर तैनाती पर जोर दे रही है। ये लगातार दूसरी सर्दी है जब दोनों देशों के सैनिक सीमा पर जमा है। ऐसे में भारत को अमरीका जैसे देशों से और अधिक इक्विपमेंट खरीदने की जरूरत है। बॉर्डर पर बढ़ी है चीन की गतिविधि। वही एक सीनियर सैन्य कमांडर ने ब्लूमबर्ग से बातचीत में बताया है कि भारत अब जरूरत पड़ने पर चीन को माकूल जवाब देने के लिए तैयार है। अरुणाचल का क्षेत्र भारत के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसकी सीमा म्यांमार तक फैली हुई है। कमांडर ने कहा कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीनी सेना की गतिविधि थोड़ी बढ़ी है, लेकिन हमारे पास पर्याप्त सैनिक उपलब्ध है। इस टनल से हो जाएगी आसानी। तबांग से करीब 300 किलोमीटर दूर दक्षिण में भारतीय सेना की नई एविएशन ब्रिगेड इस प्लान में अहम स्थान रखती है। तबांग को जोड़ने वाली सेला सुरंग की बात करें तो इसके वक्त से पहले ही तैयार होने की उम्मीद है। मौजूदा वक्त में बर्फ को हटाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और इसके बावजूद वह मुश्किल कुछ ही कार्य यहाँ से वहाँ जा पाती है। सुरंग के बनने से तबांग पहुँचने में आसानी होगी और समय भी पहले से कम लगेगा। इससे साल भर सैनिकों की तेज और निर्बाध आवाजाही हो सकेगी। आसानी से पहाड़ों पर पहुँच सकते हैं सैनिक। भारतीय एयरफोर्स अब चीनूक जैसे हेलीकॉप्टर से लैस है जो अमरीकी होविट्ज़र और सैनिकों को आसानी से और तेज़ी से पहाड़ों के पार ला सकता है। कई इसराइल निर्मित मानव रहित विमान भी है जो हर वक्त दुश्मनों की रियल टाइम तस्वीरें भेजते हैं। गौरतलब है कि चीन की तरफ से लगातार सीमा विवाद को हवा देने वाली हरकतें की जा रही है। भारत शुरुआत से ही विवाद का शांतिपूर्ण हल निकालने का पक्षधर रहा है, लेकिन उकसावे की कार्रवाई से बाज नहीं आ रहा। That's all for our news today. Stay tuned to our channel. Good day.